Allah

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على السلام حي على السلام حي على الفلاح وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُهُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله ربِّ الْعالَمِينَ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم तलान हो के ज़माने के कारनामों का जिक्र हो रहा था इस जिमन में जिमियो के हक़ के बारे में कुछ तसील है जिमी वो लोग थे जो इस्लामी हुकूमत की इतात कबूल करके अपने मज़हब पर कायम रहे और इस्लामी हुकूमत ने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया ये लोग मुसलमानों के बरक्स फ़ौजी खिदमत से बरी थे और ज़कात भी उन पर आये नहीं होती थी इसलिए उनके जानो माल और दूसरे इंसानी हकूक़ की हिफाजत के बदले उनसे एक मामूली टैक्स वसूल किया जाता था जिसे ऊर्फ आम में जजिया कहते हैं इसकी मकदार सिर्फ चार दरहम पी का सालाना थी और ये सिर्फ़ बालग तंदरुस्त और काबिल कार अफराद से वसूल किया जाता था बूढ़े अपाहज नदार मोहताज और बच्चे इससे बरी थे बल्कि मज़ूरों मोहताजों को इस्लामी बैतलमाल से मदद दी जाती थी इराक़ और शाम की फतूहत के दौरान में मतद कबाइल और आबादियाँ जजिया की बुनियाद पर इस्लामी रहाय बन गए उनसे जो मायदे हुए उनमें इस कस्म की शिकें भी रखी गई कि उनकी खानकाहें और गिरजे मनदम नहीं किए जाएंगे और ना उनका कोई ऐसा किला गिराया जाएगा जिससे जरूरत के वक्त दुश्मनों के मुकाबले में किला बंद होते हैं नाकूस पर जाने की मानियत न होगी और ना त्योहार के मौके पर स्लीप निकालने से रोके जाएँगे इन्हीं सलीब का जुलूस भी निकाल सकते हैं वो हजरत वोकर के ऐहद खिलाफत में अहल हीरा के साथ हजरत खालिद बिन वलीद ने जो माह किया था इसमें दूसरी बातों के अलावा यह भी हद किया गया था कि ऐसा बूढ़ा आदमी जो काम से मज़ूर हो जाए या उस पर कोई मर्ज़ या मुसीबत आन पड़े या जो पहले मालदार हो और फिर ऐसा गरीब हो जाए कि उसके हम मज़हब उसे खैरत देने लगें तो उसके सर से जिजिया साक़त कर दिया जाएगा यानी ख़त्म कर दिया जाएगा और जब तक वो दारुल हिजरत और दारुल इस्लाम में रहेगा जहाँ इस्लामी हुकूमत है वहाँ रहेगा उसके और उसके अहलोल के मुसारफ़ मुसलमानों के बैतलम से पूरे किए जाएंगे अलबत् अगर ऐसे लोग हिजरत दारु और दारुल इस्लाम छोड़कर बाहर चले जाएं, दूसरे मुल्कों में चले जाएं, तो उनके अहलोयाल की कफालत मुसलमानों के ज़िम्मे नहीं होगी एक रिवायत के मुताबिक एहले हीरा के साथ खालिदिन वलीद के माहदे में दर्ज था कि मोहताजों अपहाजों और, और तारक दुनिया राहबों को जजिया जज़िया माफ़ होगा फिर एक जमाय कुरान का बहुत बड़ा काम है जो हज़रत अबूकदीक रही के ज़माने में हुआ जमाय कुरान जम कुरानत के केहद जरिए का बेमिसाल मिसाल रजीम कारनामा है इसका पस मंज़र मुसलमा कज़ाब से होने वाली जंग जमामा से मुतसिल है जंग यमामा में 1200 मुसलमान शहीद हो गए और उनमें गुबार साहबा और हफाज कुरान की भी एक वादे अक्सरीत थी और एक रवायत के मुताबिक हफाज शहदाग की तादाद 700 तक बयान हुई है चाँचे इस सूरत हाल में हजरत उम्र को अल्लाह ने तुरन करीम को एक जगह इकट्ठा करने के लिए इन सदरता फ़रमाया आपने हज़रत वकर से इसका तस्करा किया जिसकी इस तफसील सही बुखारी में यूँ बयान हुई है उबैद बिन सबाक सब बयान करते हैं कि हजरत जैद बिन साबित ने बताया कि अहले यमामा से जंग के बाद हजरत वर ने उन्हें बुलाया तो क्या देखता हूँ कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी आपके पास बैठे हैं हजतब वक्र ने उमर मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा है कि जमामा की जंग में कुर करीम के बहुत से उफात शहीद हो गए हैं और मैं डरता हूँ कि मुख्तलिफ जंगों में बहुत से कारी उफाज कुरान, कुरा, कुरान शहीद हो जाएंगे जिसके नतीजे में वो कुरान का बहुत सा हिस्सा ज़ाया होने का अंदेशा है इसलिए हजूमर ने कहा कि मेरी राय में आप जमा कुरान का हुक्म दें हजूब ने फरमायाैत को कि मैंने उमर से कहा है कि वह तो काम कैसे करेगा जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो उमर ने कहा कि इस काम में बखुदा खैर ही खैर है उमर ने ये बात मुझे इतनी बार की कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुझे इन श्रा सदरता फ़रमा दी और मेरी भी उम्र की माने द्राय हो गई है तो कहते हैं कि हजदूब ने फरमाया ए जैद यकीन तो एक, एक जवान और अक्लमंद आदमी है और हम तुझे किसी इल्ज़ाम या एप से पाक समझते हैं तुम रसूल वसम के लिए वही भी लिखा करते थे बस अब तुम कुरान शरीफ को ढूंढ ढूंढ कर उसे जमा करो तो जैद कहते हैं कि अल्लाह की कसम अगर वो किसी पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की जिम्मेदारी मेरे सपूर्त करते तो वो मेरे लिए कुरान करीम की जमा करने के हुक्म से ज़्यादा गिराना होती ये तो बहुत बड़ा काम था जो मैंने रसूल किया मैंने अर्ज़ किया आप लोग वो कैसे वो काम कैसे करेंगे जो अलैहि वसल्लम ने किया हजरत ने फरमाया बख़ुदा ये काम सरासर खैर है हजरत ने इतनी बार ये दबाव दोहराई कि अल्लाह ताला ने मुझसे मुझे इस काम के लिए इन शरा इन सर सदर दिया जिसके लिए हजत अवकर और हज़त उमर को इनषर सदरतफ़रमाया था बस मैंने कुरान करीम की तलाश शुरू कर दी और उसे खजूरों की शाखों और सफ़ेद पत्थरों और लोगों के सीनों से इकट्ठा किया यहाँ तक कि सूरत तौबा का आखिरी हिस्सा मुझे अंसारी से मिला जो इनके सिवा किसी और से नहीं मिला जो ये है लकद जाहकुम रसूलुम अन्फुसकुम अज़ीज़ुलले मित से लेकर सूरत तौबा के आखिर तक फिर कुर करीम के ये तारीरी शहीफ़े हज़त अगर की फात तक उन्हीं के पास रहे फिर हजत उमर की ज़िंदगी में उनके पास रहे इसके बाद हफ्सा बिनत उमर के पास रहे अमाम बघवी अपनी किताब शर उसन्ना में जमा कुरान की हदीस पर हाशिये लिखते हुए फरमाते हैं कि जिस कुरान को अल्लाह ताली ने अपने रसूल सल वसम पर उतारा था उसे सहबा कराम ने मिन बगैर किसी कमी कमीवेशी के मुकम्मल जमा कर दिया था और सहबा कराम का कुरान मजीद को, को जमा करने का सबब हदीस में भी ये बयान हुआ है कि पहले कुरान मजीद खजूर की शाखों पत्थर की सिल, स्लेटों सिलों और फाज कराम के सीनों में बिखरा हुआ था सहबा कराम को खदशा हुआ कि उफाज क्राम वफाज कराम की शहादत से कुरान मजीद का कुछ हिस्सा ज़ाया ना हो जाए इसलिए वह कर खिद में हाज़िर हुए और उन्हें कुरान मजीद को एक जगह जमा करने का मश्रा दिया ये काम सब सहबा कराम के इतफाक़ से हुआ लिहाजा उन्होंने कुरान मजीद को बिला तकदीम तख़ीर के जिस तरह रसूल वसम से सुना था ठीक ठीक उसी तरह मुरतब कर दिया रसूल्ला सल्ला वम अपने सहबा कराम को पुराने मजीद सुनाते थे और उन्हें बिल्कुल इसी तरतीब से कुरान सिखाते थे जिस तरह ये अब हमारे सामने मसाहफ में मौजूद है ये तरतीब जब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी वो आपको हर आयत के नजूल पर बताते थे कि इस आयत को फ़लाँ सूरत में फ़लाँ आयत के बाद लिखवाइए क़ुरान करीम के जमा करने का काम बकर के दौर में हुआ हज़रतली इसके मतलब बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ताली हज़त पर रहमत फरमाए वही हैं जिन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को किताबी सूरत में महफूज किया था हजरत मुस्लिम रिजलनों जमा कुरान के हवाले से जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जो बात इस उस वक्त तक ना हुई थी वो सिर्फ ये थी कि एक जल्द में कुरान शरीफ जमा नहीं हुआ था जब ये पाँच सौ पाँच सौ कुरान का हाफिज इस लड़ाई यानी जंग इमामा में मारा गया तो हजत उमर और के पास गए और उन्होंने जाके कहा कि एक लड़ाई में पाँच सौ हाफज़ हाफ़िज़ कुरान शहीद हुआ है और अभी तो बहुत सी लड़ाइयाँ हमारे सामने हैं अगर और हफाज भी शहीद हो गए तो लोगों को कुरने करीम के मतलब शुभ पैदा हो जाएगा इसलिए कुरान को एक जगह जल्द एक जिल्द में जमा कर देना चाहिए हजतवकर ने पहले तो इस बात से इनकार किया लेकिन आखिर आपकी बात मान ली हज़रतर ने जैद बिन साबित को इस काम के लिए मुकर किया जो रसूल जो रसूल करीम सल्ला वसम की ज़िंदगी में कुरान करीम लिखा करते थे और कुबार साहबा इनकी मदद के लिए मुकर किए गो हज़ारों सहाबा कुरान शरीफ के हाफ थे लेकिन कुरान शरीफ़ के लिखते वक्त हज़ारों साहबा को जमा करना तो नामुमकिन था इसलिए तो वक़र ने हुक्म दिया कि कुरान करीम को तहरीरी नुस्खों से तकल किया जाए और साथ ही यह एहतियात की जाए कि कम से कम दो हाफ़िज़ कुरान के दो हाफ़िज़ कुरान के और भी इसकी तस्दीक करने वाले हों चनाचन मतफरक चमड़ों और हड्डियों पर जो कुर शरीफ लिखा हुआ था वो एक जगह जमा एक जगह जमा कर दिया गया और कुरान शरीफ़ के हाफजों ने उसकी तस्दीक की अगर कुरान शरीफ़ के मतलब कोई शुबा हो सकता है तो महज रसूल की वफात और उस वक्त के दरमिया अरस के मतलब हो सकता है मगर तो क्या कोई अक्लमंद तस्लीम कर सकता है कि जो किताब रोज़ाना पढ़ी जाती थी और जो किताब हर रो हर रमज़ान में ऊँची आवाज़ से पढ़ कर दूसरे मुसलमान मुसलमानों को उफात सुनाने सुनाते थे और जिसकी जिस और जिसकी सारी की सारी और ज... जिस ज... 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 सारी की सारी किताब को हज़ारों आदमियों ने शुरू से लेकर आखिर तक हिफ़ किया हुआ था और जो किताब गो एक जिल्द में इकट्ठी नहीं की गई थी लेकिन बीसियों सहाबा उसको लिखा करते थे और टुकड़ों की सूरत में लिखी हुई वो सारी की सारी मौजूद थी उसे एक जिल्द में जमा करने में किसी को दिक्कत महसूस हो सकती थी और फिर क्या ऐसे शख्स को दिक्कत हो सकती थी जो ख़ुद रसूल रसूल करीम अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान करीम की किताबत मुक, पर मुकरर था और उसका हाफ और उसका हाफिज था और जब कुरान रोज़ाना पढ़ा जाता था तो क्या ये हो सकता था इस जिल्द में कोई गलती हो जाती और बाक़ी हाफिज उसको पकड़ना लेते अगर इस किस्म की शहादत पर शुबा किया जाए तो फिर तो दुनिया में कोई दलील बाकी नहीं रहती हक ये है कि दुनिया की कोई तहरीर ऐसी ऐसे तवतुर से दुनिया में कायम नहीं जिस तवतुर से कुरान शरीफ कायम है इस बात में आप में दलील फरमा रहे हैं कि कुरान करीम असली हालत में है और कोई इसमें बदल नहीं है जो एतराज़ किया जाता है कि तब्दीली हुई है ये था और वो था आजकल भी इसरा उठते उस हैं उसका जवाब है ये हज मुस्लिम आओ एक एतराज का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि एतराज़ ये किया जाता है कि रसुल करीम के ज़माने में पूरा कुरान ना लिखा गया था। इसका जवाब यह है कि ये दुरुस्त नहीं है रसूल करीम सल वम के ज़माने में यकीन सारा कुरान लिखा गया था जो कहते हैं नहीं लिखा गया ये गलत है लिखा गया था जैसा कि उस्मान की रवायत है कि जब कोई हिस्सा नाजल होता तो रसूल करीम सली वसलम लिखने वालों को बुलाते और फरमाते उसे फलांत जगह दाखिल करो जब यह तारीख़ी सबूत मौजूद है तो फिर ये कहना कि कुरान कुरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पूरा ना लिखा गया था बेवकूफ़ी है रहा यह सवाल कि फिर हजरत अबू बकर के ज़माने में क्यों लिखा गया इसका जवाब यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान इस तरह एक जिल्द में ना था जिस तरह अब है हजरत उमर को यह ख्याल पैदा हुआ कि ये लोग ये ना समझें कि कुरान महफूज नहीं इसलिए उन्होंने इस बारे में हज़तबकर से जो अल्फाज कहे वो ये थे कि इन्नी आरा अनतामरा कुरान मैं मुनासब समझता हूँ कि आप कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा करने का हुक्म दें ये नहीं कहा कि आप इसकी किताबत करा लें फिर हजतब बकर ने जैद को बुलाकर कुरान कहा कि कुरान जमा करो चुनाच फरमाया फर्मा इजमा हो उसे एक जगह जमा कर दो ये नहीं कहा कि उसे लिख लो गरज अल्फाज खुद बता रहे हैं कि उस वक्त कुरान के औराक को एक जिल्द में इकट्ठा करने का सवाल था लिखने का सवाल न था हजदबर के खिलाफत में कुरान करीम एक ज़िल्द में जमा कर दिया गया और बाद में हज़रत उस्मान के अह खिलाफत में मज़ीद पेश रफ्त यह हुई कि तमाम अरब बल्कि तमाम मुस्लिम दुनिया को एक किरात पर जमा कर दिया गया चाँचे हजरत स्मान के दौर में कुरान करीम की इशात के हवाले से हजमस्लिम और बयान करते हैं कि हज दो बखर के बाद हजरत उस्मान के ज़माने में शिकायत आई कि मुख्तिक कबाइल के लोग मुख्तिक किरातों के साथ कुर करीम को पढ़ते हैं और गैरमस्लिमों पर इसका बुरा असर पड़ता है वो समझते हैं कि कुरान करीम के कई नुस्खे हैं इस किरात से मुराद ये है कि कोई कबीला किसी हरफ हरफ को ज़बर से पढ़ता है दूसरा जेर से पढ़ता है तीसरा पेश से पढ़ता है और ये बात सवाए अरबी के और किसी ज़बान में नहीं पाई जाती इसलिए अरबी ना जानने वाला आदमी जब ये सुनेगा तो समझेगा ये कुछ कह रहा है और वो कुछ कह रहा है हालांकि कहे वो एक ही बात रहे होंगे बस इस फितने से बचाने के लिए उस्मान ने तजवीज़ फरमाई कि बकर कर रिजलानों के ज़माने में जो नुस्खा लिखा गया था उसकी कापियाँ करवा ली जाएँ और मुख्त्य मुल्कों में भेज दी जाएँ और हुक्म दे दिया जाए कि बस इसी किरात के मुताबिक कुरान पढ़ना है और कोई किरात नहीं पढ़नी है। ये बात जो हज़रत उस्मान ने की बिल्कुल मायूब ना थी रसूल करीम वसल्लम के ज़माने में अरब लोगबायली ज़िंदगी बसर करते थे यानी हर कबीला दूसरे कबीले से अलग रहता था इसलिए वो अपनी अपनी बोली के आदि थे यानी अपना अपना उनका बोलने का अंदाज़ था लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जमा होकर अरब लोग मतमदन हो गए और एक आमी ज़ुबान के बजाय अरबी ज़ुबान एक इल्मी ज़ुबान बन गई कसरत से अरब के लोग पढ़ने और लिखने के इल्म से वाकफ़ हो गए जिसकी वजह से हर आदमी खा किसी कबीले से तल्ब रखता था उसी सहूलत से वो लफ्ज़ अदा कर सकता था जिस तरह इलमी ज़बान में वो बोला जाता था जोधर हकीकत मुल्क की ज़बान थी बस कोई वजह न थी कि जब सारे लोग एक इलमी ज़ुबान के आदि हो चुके थे उन्हें फिर भी इजाज़त दी जाती कि वह अपने कबायली तलफ़ के साथ ही कुरान शरीफ को पढ़ते चले जाएँ और गैर कौमों के लिए ठोकर का मुज्व बनाएँ इसलिए हज़त स्स्मान ने इन हरकत के साथ कुरान शरीफ़ को लिख कर जो मक् की ज़बान के मुताबिक था सब मुल्कों में कापियाँ तकसीम करा दी और आइंदा के मतलब हुक्म दे दिया कि सवाए मक्की लहजा के और किसी कबायली लहजे में कुरान शरीफ ना पढ़ा जाए इस अमर को ना समझने की वजह से यूरोप के मुसनफ़ और दूसरी कौमों के मुसनफ़ हमेशा ये इतराज़ करते रहते हैं कि हजरत षस्मान ने कोई नया कुरान बना दिया था यास्मान ने कोई नई तब्दीली कुरने की कर दी थी लेकिन हकीकत वो है जो बयान की गई है मसीम तो फरमाते हैं कि कुरान बिला कुरान शुबा वह, वही वही मतलब मतलब है और ये पूरे का पूरा यहाँ तक कि नुक्ते और हर, हरूफ भी कती मुतवा हैं और अल्लाह ताला ने ते कमाल के साथ फरिश्तों की हिफाजत में नाजिल फरमाया है फिर इसके बारे में तमाम किस्म के अहतमाम करने में नबी अलैहि वसल्लम ने कोई धिकाफ्र गुदाश्त नहीं किया और आपने अपनी आँखों के सामने एक एक आयत जैसे वो कुरान नादल होता रहा लिखने पर मदात फरमाई यहाँ तक कि आपने उसे मुकम्मल तौर पर जमा फरमाया और नफ़स नफीस आयात को तरतीब दिया और उन्हें जमा किया और नमाज में और नमाज से बाहर इसकी तलावत पर मुदात फरमाई यहाँ तक कि आप दुनिया से रहलत फरमा गए और अपने रफ़ीक आला और महबूब आलमीन से जा मिले। फिर इसके बाद फरमाते तो हैं, फिर इसके बाद खलीफा अब्बुल हज़र अबीक रिजाला ने इसकी तमाम सूरतों को नबी करीम अलैहि वसल्लम से सुनी हुई तरतीब के मुताबिक जमा करने का कामाम फ़रमाया फिर हजरत उबीक रिजल् के बाद अल्लाह त्ल ताला, अल्लाह अल्ला ते ताला खीफा सालिस हजरत ऊस्मान रजील तनों को तोफ़ी कता फ़रमाई तो आपने लुक्ते कुरैश के मुताबिक कुरान को एक किरात में जमा किया और उसे तमाम मुल्कों में फैला दिया ये सवाल है सफी सहीफ़ा सदीकी कब तक मफूद रहा जो आपने हजत अबूर सदीक ने लिखवाया था कब तक महफूद रहा इस बारे में लिखा है कि बिन के अबीक ने हजदैत में सबाबत के ज़रिए जिसन करीम को एक जल्द में मरतब करवाया उसको सहीफ़ा सदीकी भी कहा जाता है यह हजरत अबू के सदीक़ के पास आपकी वफ़ात तक रहा इसके बाद हजरत उमर के पास आ गया और हजरत उमर ने उमर ममिन हफ्सा के स्पुरद कर दिया और ये अरत फरमाया कि किसी शख्स को ना दिया जाए अलबा जिसको नकल करना या अपना या अपना नुस्खा सही करना हो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है चाचे हजरत ऊस्मान ने अपने अधिलाफत में हजत अफसा से आर्यतन लेकर चंद नुस्खे नकल करवाए और फिर वो नुस्खा हजरत अफसा को वापस लौटा दिया जब चवन हिजरी में मरवान मदीना का हाकम हुआ तो उसने इस नुस्खे को हजरत अफसा से लेना चाहा लेकिन हजरत ने इनकार कर दिया हजत अफसा के इंतकाल के बाद मरवान ने हजरतब्द्दुल्ला बिन उमर से लेकर उसको ज़ाया कर दिया लेकिन हजरत स्मान पहले महफूज करवा चुके थे इसको हजतब बकर ने सबसे पहले जो काम सर अंजाम दिए या जो कारनामे सबसे पहले उनकी ज़ात के साथ वाबस्ता हैं उन्हें अवलियात अवलियात उबकर का नाम दिया गया मुख्तलिफ बातें हैं जिन्होंने जो जो उनके काम थे जो सबसे पहले उन्होंने अंजाम दिए आप सबसे पहले इस्लाम लाए दूसरे ये कि मक्के में आपके अपने घर के सामने सबसे पहले मस्जिद बनाई फिर तीसरा ये है कि मक्के में रसूल अक्रम सल वसम की हमायत ने सबसे पहले क्रैश मक् से कितल किया चौथा ये कि सबसे पहले मतदद गुलामों और बंदियों को जो इस्लाम लाने की पदाश में ओतम का शिकार थे ख़रीद कर आज़ाद किया पाँचवा ये सबसे पहले कुरान करीम को एक जल्द में जमा किया छठा ये सबसे पहले उन्होंने कुरान कुरान का नाम मुसफ़ रखा सबसे पहले सातवां ये कि सबसे पहले खलीफा राशिद करार पाए आठवां ये कि रसूल वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे पहले अमीरुल हहज मकर्र हुए नवा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे पहले नमाज में मुसलमानों की इमामत की दसवां ये कि इस्लाम में सबसे पहले माल कायम किया ग्यारह ये कि इस्लाम में सबसे पहले खलीफा हैं जिनका मुसलमानों ने वजीफ़ा मुकर किया बारवाँ ये है कि सबसे पहले खलीफा जिन्होंने अपना जानशीन नामज़द किया हज़बूमर तो तो को अपने नामद फरमाया था तेरहवा ये कि वह पहले खलीफा हैं जिनकी बैत के वक्त उनके वालद हज़र अब कहाफ़ा ज़िंदा थे चौदवा ये है कि वह सबसे पहले शख्स जिन्हें इस्लाम में कोई लकब रसूलता फरमाया पंद्रवा ये कि सबसे पहले शख्स जिनकी चार पुश्तों को शरफ़ सहाबियत हासिल है उनके वालद साहब ही हजत अबू कहाफ़ा हजरत बकर ख़ुद साहबी उनके बेटे हज़रतब्दरहमान बिन अबू बकर, और उनके पोते हजरत मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन अबू बकर, ये सब साहबदाते हैं हजरत बकरक हो के मनाकब के बारे में लिखा है मलिया मुबारक हज़त हुआ। इनके बारे में मरवी है आयशा से मरवी है उनके बारे में मरवी है यानी उनके हवाले से बात की गई है कि उन्होंने एक अरबी शख़्स को देखा जो पैदल चल रहा था और आप उस वक्त अपने हदिज में थी आपने फरमाया मैंने उस शख़्स से ज़्यादा इस हजद बकर से मुशाबे कोई शख्स नहीं देखा रावी कहते हैं हमने कहा हजतश से पूछा कि आप हमारे लिए हजदकर का हुलिया बयान करें तो दायशा ने फरमाया कि हजदकर गोरे रंग के शख्स थे दुबले पतले थे रुखसारों पर गोश्त कम था कमर जरा ख़मीदा थी झुकी हुई थी कि आपका तय बंद भी कमर पर नहीं रुकता था और नीचे सिरक जाता था चेहरा कम गोश्त वाला था भरा हुआ नहीं था चेहरा ज़्यादा आंखें अंदर की तरफ थीं और पेशानी बुलंद थी इब्ने सीरी कहते हैं कि मैंने हज़त अनस में मालिक से पूछा कि हज़त उग्र खुदाब लगाते थे तो उन्होंने कहा हाँ मेहंदी और कतम से रंग लगाते थे अपने बालों पे, दाढ़ी पे। कतम एक बूटी का नाम है खुशियत इलाही और तकवा के बारे में लिखा है कि नबी करीम वसल्लम ने हज़रत रबी रबिया बिन जाफ़र और हज़रत अबू बकर को कुछ जमीन ज़मीनता फरमाई दोनों में एक दरख्त के लिए इख्तलाफ हो गया हज़रत अबू बकर ने बहस के दौरान कोई सख्त बात कह दी लेकिन बाद में उस पर नादम हुए और कहा रबिया तुम भी मुझे कोई ऐसी सख्त बात कह दो ताकि वो इसका कसास हो जाए जिस तरह मैंने बात की इस तुम भी कह दो मुझे लेकिन उ, उन्होंने इनकार कर दिया हज़त रबिया ने वो दोनों नबी करीम हाज़िर हुए सारा वाक्य बयान किया इस पर आप सल्ला वसम ने फ़रमाया कि रबिया तुम सख्त जवाब ना दो लेकिन ये दुआ दो गफ़र अल्लाह या अबा बकर ए बकर अल्लाह तुमसे दरगुजर फरमाए इस पर उन्होंने ऐसा ही किया बकर बात जब सुनी तो इसका इस कदर असर हुआ कि वो जारा जारो क़तार रोते हुए वापस लौटे एक रिवायत में है कि हजदूबी ने एक परिंदा देखा जो एक दरख्त पर था आपने कहा यह परिंदे तुझे खुशखबरी हो अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मानद होता तुम तो दरख्त पर बैठते हो और फल खाते हो और फिर उड़ जाते हो तुम पर कोई हिसाब होगा और ना ही कोई हिसाब अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ कि मैं रास्ते के एक जानेब एक दरख्त होता और ऊँट मेरे पास से गुज़रता और मुझे पकड़ता और अपने मुंह में डाल लेता और मुझे चुपा डालता फिर वो मुझे जल्दी से निकल ले लेता फिर ऊँट मुझे मेघनी की सूरत में बाहर निकालता और मैं इंसान ना होता फिर मुस्लिम आऊत हो सूरतनवाबा की आयत नंबर इकतालीस वह यकूलकाफिर या लेतनी कुंतरा राबा और काफिर कहेगा काश में खाक हो चुका होता कि तफसीर करते हुए बयान फर्माते हैं कि बाद मुसलमान फिरके सहबा के बगस में इस कदर बढ़ गए हैं कि वह कहते हैं कि हजूब होकर मौत के वक्त यही फ़िक्र कहते थे बस उनका कुफर सबित है यानी वो पड़ा करते थे वह यकूलकाफिर या लेता नहीं कौन तो रहा हजूर को पढ़ते थे काफिर कहेगा कि है लफन इसलिए वो काफिर हुए नवजिल्ला हजल मौसम आते हैं हालांकि अगर ये रिवायत साबित हो अगर ये सच्ची बात है और ये आयत आए थूर के मतलब हो तो अबू बकर के ईमान के लिहाज से इसके ये मानी होंगे कि कुफार की बातों का मुनकर यानी अबू बकर कहेगा कि काश मेरे साथ खुदा तला का मामला ऐसा ही होता कि ना 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 वो मेरे ने एक अमाल का बदला देता और ना मेरी ग़लतियों की सजा देता और ये फिक्र एक मोमिन मोमिन कामिल का फ़िक्र है हदीसों में तो ख़ुद रसूल करीम सल भी आता है कि आप ये फरमाया करते थे कि मैं अपने अमाल की वजह से बख्शा नहीं जाऊँगा बल्कि अल्लाह त फ़जल से बख्शा जाऊँगा काफ़िर का लफ्ज़ इस जगह तंजन इस्तेमाल हुआ है और मुरा मुराद ये है कि ये लोग उसे काफिर कहते हैं जो जंग में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होता था और जिसने अपना सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया था और ग्यारह साल की बेटी आपसे ब्याह दी थी जबकि आपकी उम्र चौवन पचपन साल की थी और हिजरत में आपके साथ था जबकि सारे मक्के के मुकाबले में आप सिर्फ अबू अबूबकर को साथ लेकर खड़े हो गए थे कुरान करीम तंजन कहता है कि ये कुर्बानियाँ देने वाला शख्स तो काफ़िर है मगर वो लोग अगर ये समझा जाएगा वो मनि भी आई आए थे तो ये तंज़न लफ्ज़ लफ्स इस्तेमाल हुआ है ये कुर्बानियाँ देने वाला शख़्स तो काफ़िर है मगर वो लोग जिन्होंने उसके अमाल के मुकाबले में कोई नस्बत भी अमल की नहीं दिखाई वोमन बनते फिरते हैं तो वफात के वक्त जब का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने हजरत आयशा से फरमाया ए मेरी बेटी तू जानती है कि लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब और अजीज़ तुम हो मुझे और मैंने अपनी फ़लाँ जगह की ज़मीन तुम्हें हिबा की थी अगर तुमने उस पर कब्ज़ा किया होता और उसके नफा से इस्ता किया होता तो वो यकीनन तुम्हारी मलकियत में थी लेकिन अब वो मेरे तमाम वारसों की मलकियत है मैं पसंद करता हूँ कि तुम वो वापस लौटा दो वो हिबा वापस लौटा दो क्योंकि उस पर कब्जा तुमने नहीं किया और मेरी ज़िंदगी में वो ज़मीन मेरे इस्तेमाल इस इस में ही रही ताकि वो मेरी सारी औलाद में अल्लाह की किताब के मुताबिक तकसीम हो जाए और मैं अपने रब से इस हालत में मिलूँ कि मैंने अपनी औलाद में से किसी को दूसरे पर फजीलत नहीं दी होगी इस पर ने अर्ज़ किया आपके हुक्म की हरफ ब हरफ तामील की जाएगी रिजैल का जो वाक्य बयान करने हूँ मैं ये पहले भी जिक्र हो चुका है लेकिन आपके मनब के जिम्मन में भी यहाँ जिक्र करता हूँ दोबारा जब खिलाफत की रिदा आपको अल्लाह तनाई तो उसके बारे उस वक्त का जिक्र है कि अगले दिन हजतुबकर जो कपड़े की तजारत तिया करते थे खलीफा मुंतब होने के बाद हसब ममूल कंधे पर कपड़ों के थान रख कर बाजार की तरफ रवाना हुए रास्ते में हजरत उमर और हजरत हजतबैदा से मुलाकात हुई उन्होंने कहा है खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से शिफले जा रहे हैं हजरत वक्र ने फरमाया बाज़ार उन्होंने कहा आप मुसलमानों के हाकिम हैं चलिए हम आपके लिए कुछ वजीफा मुकर कर दें वापस चले वजीफा मुकर कर देंगे कोई जरूरत नहीं थी जा अल्लामा अलामा साद ने वजीफ़े की तफसील ये बयान की है कि उनको दो चादरें मिलती थीं जब वो पुरानी हो जाती थी तो उन्हें वापस करके दूसरी लेते थे सफ़र के मौके पर सवारी और खिलाफत से पहले जो खर्च था उसी के मुाफ़िक अपने और अपने मतलकिन के लिए खर्च लेते थे मुस्लिम तैनो फरमाते हैं कि हत तमाम आलम इस्लाम के बादशाह थे मगर उनको क्या मिलता था पब्लिक के रुपया के वो मुहाफ़ थे मगर ख़ुद उस रुपया पर कोई तसरफ नहीं रखते थे बेशक हज़त वक्र रजित बड़े ताजर थे मगर चूँकि उनको कसरत सी आदत थी कि जो ही रुपया आया खुदा तला की राह में दे दिया इसलिए ऐसा इतफ़ा हुआ कि जब रसूल करीम सल वसम की वफ़ात हुई और आप खलीफा हुए तो उस वक्त आपके पास नकद रुपया नहीं था खिलाफत के दूसरे ही दिन आपने कपड़ों की गठरी उठाई और उसे बेचने के लिए चल पड़े हज़त उम्र रजो रस्ते में मिले तो पूछा क्या करने लगे हैं उन्होंने कहा कि आखिर मैंने कुछ खाना तो होगा अगर मैं कपड़े नहीं बेचूंगा तो खाऊंगा कहाँ से हजूम रजी तैर ने कहा यह तो नहीं हो सकता अगर आप कपड़े बेचते रहे तो खिलाफत का काम कौन करेगा हजूब तला ने जवाब दिया कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो फिर गुजारा किस तरह होगा हजूम रजी कहा कि आप बेतुलमाल से वजीफ़ा ले लें हजूब ने जवाब दिया कि मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता माल पर मेरा क्या हक हाँ है हजरत उमर ने कहा कि जब कुरान करीम ने इजाज़त दी है कि दीनी काम करने वालों पर माल का रुपया सर्फ हो सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते चनाचे इसके बाद माल से उनका वजीफा मुकर्र हो गया मगर उस वक्त के लिहाज से वह वजीफ़ा सिर्फ इतना था जिससे रोटी कपड़े की ज़रूरत पूरी हो सके इबन अभी मुलै बयान करते हैं कि तो बकर्र के हाथ से अगर लगाम छूट कर गिर जाती तो आप अपनी ऊँटी को बिठाते और वो लगाम उठाते उनसे कहा गया कि आपने हमें क्यों हुक्म नहीं दिया ता हम आपको पकड़ा देते है। है तो बकर फरमाते मेरे महबूब अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात का हुक्म दिया था कि मैं लोगों से किसी चीज़ का सवाल ना करूँ इस हद तक एहतियात करते थे बजमस्सलिम आऊद बयान फ़रमाते हैं कि रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मस्जिद में बाज़ लोगों की आवाज़ सुनी कि अबू बकर को हम पर कौन सी ज़्यादा फजीलत हासिल है जैसे कि नेकी वो नेकी के काम वो करते हैं उसी तरह नेकी के काम हम करते हैं रसूल करीम सल वम ने यह सुना तो फरमाया है लोगों अबू बकर को फजीलत नमाज और रोज़ों की वजह से नहीं है बल्कि उस नकी की वजह से है जो उसके दिल में है जो दिल में उनकी नेकी है और जो अक़ीदत है से और जो खौफ़ है अल्लाह ताला का खुशियत है वह इस मैार की है कि उनको तब फजील है तुम्हारे पे और उसके मुताबिक उनका अमल भी है फिर सिर्फ़ दिल में नहीं है हज़रत मसीम ने एक आयत कुरानी की तस्ीर बयान फरमाते हुए हजरत वगल का मुकाम और तबाह यूँ बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि तू इबादत करता रहे जब तक कि तुझे यकीन कामिल का मरतबा हासिल ना हो और तमाम हिजाब और माती पर्दे दूर होकर यह समझ में आ जावे कि अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले था बल्कि अब तो नया मुल्क नई ज़मीन नया आसमान है और मैं भी कोई नई मखलूक हूँ यह है आतीसानी वही है जिसको सूफी बका के नाम से मासूम करते हैं जब इंसान इस दर्जे पर पहुँच जाता है तो अल्लाह ताली की रूह का नफ़ भी उसमें होता है मलायक उस पर मजदूल होता है यही वो राज है जिस पर पैम्बर ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बकर को हजूबकर फरमाया कि अगर कोई चाहे कि मुर्दा मैत को ज़मीन पर चलता हुआ देखे तो वह अबू बकर को देखे और अबू अबू बकर का दर्जा इसके ज़ाहरी आमाल से ही नहीं बल्कि इस बात से है जो उसके दिल में है हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि एक मरतबा वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी सफ़र पर रवाना हुए और जब पड़ाव किया तो मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम हो गए कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ हज तबू सैद खुदरी बयान करते हैं कि मैंने हज तबूखर की शफाकत में पड़ाव किया हमारे साथ वादिया नशीलों में से एक देहाती आदमी भी था हम वादिया नशीलों के जिस घर में ठहरे उनकी एक औरत उम्मीद से थी उस बदवी ने उस औरत से कहा कि क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो अगर तू मुझे एक बकरी दे दे तो तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा उस औरत ने उसको बकरी दे दी उस बदवी ने एक वजन के कई हम अल्फाज उसके सामने पढ़े कुछ अपना जंतर मंतर पढ़ा उसके सामने फिर उसने बकरी की, और जब लोग खाने के लिए बैठे तो एक आदमी ने कहा कि क्या आपको मालूम भी है कि बकरी कैसी है फिर उसने उसको सारा किस सुनाया किस तरह उस औरत से उसने ये कह के बकरी ली थी कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा मैं इस पर दुआ पढ़ूँगा तो रावी कहते हैं कि मैंने हजदूबर को देखा आप भी वहाँ थे खाना खाने वालों में शामिल आप सख्त बेजारी का इजहार करते हुए अपने हलक में उंगलियाँ डाल कर उसको निकाल रहे थे यानी कह करके निकाल रहे खाना ऐसा खाना जो शिरक जिसपे का जरिया बने बना हो वो मैं नहीं खा सकता हजतायशा रजा बयान फरमाया ने बयान फरमाया कि हजरत अब का एक गुलाम था वो उन्हें कमाई ला कर देता था और हजतर तो उसकी कमाई से खाया करते थे एक दिन उनको चीज़ लाया हजरत वक्र ने उससे खाया गुलाम ने उनसे कहा कि क्या आप जानते हैं कि ये क्या है हजरत वक्र ने पूछा ये क्या है उसने कहा मैंने ज़माने जहलीत में एक शख़्स के लिए कहानत की थी और मैं कहानत का इलम अच्छी तरह नहीं जानता था स्वाइस इसके कि मैंने उसको धोखा दिया वो मुझको मिला तो उसने मुझे इसके बदले कुछ दिया सो तो ये वो है जिससे आपने खाया है तोहफा तो ले आया था पका के चीज़ ले आया करता था कभी कभी तो वो ने अपना हाथ गले में दाखिल किया और जो कुछ पेट में था सब कह कर दिया मैं क्या ऐसा हराम खाना मैं नहीं खा सकता रतदुल्ला तो बिन उमर से रवायत है कि रसूल اللہ वसलम ने फरमाया जो गरूर से अपना कपड़ा घसीट कर चला तो अल्लाह रोज़ क्या उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेगा हजरत वोकर ने कहा मेरे कपड़े की एक तरफ डीली रहती है स्वाहिश है कि मैं उसका ख़ास ख्याल रखूँ रसूल अल्लाम ने फरमाया तुम तो गरूर से ऐसा नहीं करते हजरत वसीम फरमाते हैं एक मरतबा हजरत सल्ला व्ल् ने फरमाया कि जिनका तय मंद नीचे को ढलकता है वो दो जख्म में जाएँगे हर तो वो कि रजीला तैाली सुनकर रो पड़े क्योंकि उनका तयबंद वैसा था आप सल वम ने फरमाया कि तू उनमें से नहीं है गरज नईत को बहुत बड़ा दखल है और हिफ़्स मरातब ज़रूरी शह है ये रसूल सल वम की कामिलता मफर बरदारी और इश्क रसूल और रसूल सल्लम के लिए गैरत का ज़िक्र है एक दिन हजताशा घर में आ हज़रत सल्लि वसम से कुछ तेज तेज़ बोल रही थी कि ऊपर से उनके अब्बा यानी हज़त वकृत तो शरीफ लाए ये हालत देख कर उनसे रहा ना गया और अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़े कि तुम खुदा के रसूल के आगे इस तरह बोलती हो आ हज़रत सल्ल वम ने देखते ही बाप बेटी के दरमियान आप ये देखते ही बाप बेटी के दरमियान हायल हो गए और हजरत अबूकर की मतवक़ सजा से हजरत आयशा को बचा लिया जब हजरत अब्बकर चले गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से हजरा मज़ाक फरमाया देखा आज हमने तुम्हें तुम्हारे अब्बा से कैसे बचाया कुछ दिनों के बाद हजरत अब्बकर दोबारा तशरीफ़ लाए तो आ हज़रत सल वसम के साथ हजरत आयशा हंसी खुशी बातें कर रही थीं हजरत अक्र कहने लगे कि देखो तुमने अपनी लड़ाई में तो मुझे शरीक किया था और ख़ुशी में भी शरीक कर लो इस पर रसूल सल ने फरमाया हमने शरीक किया हजरत बिन हारस बयान करते हैं कि मैंने हजरत अब को देखा उन्होंने हजरत हसन को उठाया और वो ये कह रहे थे कि मेरा बाप तुझ पर कुर्बान ये तो नबी की शक्ल व शुबात है अली की शक्लो शुबात अकली अली की शक्लो शुबात नहीं हैं और हजरत अली ये सुन के हंस रहे थे हजतब्बुल्ला बिन उमर इजिला बयान करते हैं कि जब हजरत उमर बिन ख़ाब की बेटी हजरत हफ् हजरत खुनैस बिन खुदाफ़ा सामी के फौत होने पर बेवह हो गई और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे जंग बदर में शरीक हुए थे मदीना में उन्होंने वफात पाई थी तो हजतु बिन खताब कहते थे मैं उस्मान बिन अफान से मिला उनके पास हफ्सा का जिक्र किया और कहा अगर आप चाहें तो हफ्सा का निका आपसे कर दूँ उन्होंने कहा मैं इस मामले पर गौर करूँगा चुनाचों में कई रोज़ तक ठहरा रहा फिर स्मान ने कहा मुझे यही मुनासिब मालूम हो गया है कि मैं इंदिन शादी ना करूँ हजरत उम्र कहते थे फिर मैं हजरत बकर से मिला और कहा अगर आप चाहें तो मैं हफसा का निकाह आपसे किए देता हूँ हजरत वकर खामोश हो गए और मुझे कुछ जवाब ना दिया उस्मान की नस्बत उमर हस्दु, हस्दु, कहते हैं कि उस उस्मान की नस्बत मैं इनसे ज़्यादा रंजीदा खातर हुआ फिर मैं कुछ रातें ठहरा रहा इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ह से निकाह का पैगाम भेजा और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह कर दिया फिर हजरत वकर मुझसे मिले और कहा शायद आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं जब आपने हफ्सा को जिक्र किया और मैंने कुछ जवाब न दिया मैंने कहा कि हाँ ही है तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो बात आपने पेश की थी उसकी नसीबत आपको जवाब देने से मुझे नहीं रोका था मगर इस बात ने कि मुझे इलम हो चुका था कि रसूल सल वफ् निकाह करना चाहते हैं और मैं ऐसा नहीं था कि रसूल सल का ये मंशा जाहिर करता यानी आपको बताता है कि इस तरह वसलम का वंश है इसलिए मैं चुप हो गया या इनकार कर दिया और अदर सल वसलम अगर कहते हैं अगर अगर अहद्ली वसम इस रिश्ते को छोड़ देते तो मैं ज़रूर कबूल कर लेता आपका ये बेटी अली का रिश्ता हज़रतली कहा तो बकर बखराज की इज़्ज़त पेश करना इसके बारे में लिखा है कि हजरत इबन रज़ी से रवायत है कि उन्होंने कहा मैं उन लोगों में से उन लोगों में खड़ा था जिन्होंने हज़रत उमर बिन ख़ताब की वफात के बाद उनके लिए दुआ की जबकि उन्हें तख्ते पर रख दिया गया इतने में क्या देखता हूँ कि एक शख्स ने मेरे पीछे से आकर अपनी कोनी मेरे कंधे पर रख दी कहने लगा अल्लाह तुम पर रहम करे मुझे तो यही उम्मीद थी कि अल्लाह तुम्हें भी हमारे दोनों साथियों के साथ ही दफ़न करेगा क्योंकि मैंने रसूल वसल्लम की कोई सुनवाते बहुत सुना था कि मैं और अबू बकर उमर फ जगह थे और मैंने और अब बकर और उमर ने ये किया मैं और अबू बकर और उमर चले गए इसलिए मैं ये उम्मीद रखता था कि अल्लाह ताला तुमको भी इन दोनों के साथ ही रखेगा मैंने जो मुड़कर देखा तो हजत अली बिन तालब थे बाकी इनशा आइंदा बयान होगा الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله <applause> إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم অধু হৈয়স্তিপ লে অকবাৰ